जी, जिया की स्थिति बहुत खराब बा, कोनो समय कुछ हो सकेला, और सिपाही यहाँ कम बढ़न, हथियारों कम बा सरकार। जी 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 इंकलाब भारत माता की जय। जी और के बाद में फोन करो तनी। दरोगा जी, थाना पे क्रांतिकारियन का कब्जा हो गया बा और उनकर नेता कौशल किशोर यहाँ अंदर आ रहा बा। अरे सिपाही सुने सन, ले आओ सन बंदूक, देख लो तनी जा। भारत माता की, भारत माता की, अंग्रेजों अंग्रेजों, इंकलाब भारत माता की। दरोगा अपने सिपाहियन का लेके आत्मसमर्पण कर दा। ठीक बा, हम तो हर बात मान जाएंगे। और इला गांधी टोपी पहन ला। ठीक बा। ला पहन ले ली, अब खुश जा, अब तू रुक जा। हाँ ये ठीक बा, बाकी भारत माता जय के बोली। अरे हाँ, भारत माता की जय। तू सभी बोलो संग, भारत माता की जय। साथियों बंदूक उठा ले, चला थाना चल के झंडा फहरावा जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। सुन, देख तो गले सुन की ना। दरोगा जी वो लोग थाना पर झंडा फहरा रहल बाड़े। का सुन सुन रे, जो अंदर बंदूक रखल बा लाओ सन, अब ढूंढ के रख दो सन। देखिए राम लगन जी, आप एक काम कीजिए, आप तुरंत बनारस जाइए और वहां के मजिस्ट्रेट से इमीडिएटली पुलिस फोर्स भेजने की मांग कीजिए। सर, बनारस के पुलिस कमिश्नर से तो फौज मिल सकती है, पर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों सर? अगर रास्ते में हमें क्रांतिकारी मिल गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन राम लगन जी, अगर बनारस से पुलिस फोर्स नहीं आई तो हमारे यहाँ के अधिकारियों की जान खतरे में पड़ जाए। निगम साहब, अरे रामलगन सिंह जी का तो हम अपनी कार से बनारस पहुँचा दे, ये हमार जिम्मेदारी है। और एक बार अगर बनारस से पुलिस फोर्स आ गई तो बलिया की स्थिति अपने आप सामान्य हो जाए। राय बहादुर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक बनारस से पुलिस फोर्स नहीं आ जाती तब तक क्रांतिकारियों को मैं रोकने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर, मैं बनारस जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं अधिकारियों की जान बचाने का। सुपूजन भैया, इनकर बंदूक अपना के बहुत काम आई आंदोलन के आगे बढ़ावे में। साहब, बाजी वाली सड़क से बलिया की ओर 25-30 हजार आदमी आवत बाड़े, नारा लगा। इससे पहले कि भीड़ शहर में घुसे, खजाने में रखे पूरे 9 लाख रुपए जला दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जी हुजूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पारस भैया, हमनी के पहले कहाँ चले के है? हमनी विचार से सबसे पहले जेल चला जाए, वहाँ पहुँच के अपना लोगन का आजाद करावल जाए। हाँ ये ठीक रही, चला सब लोग जिला जेल चला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।
साहब सगरू नोटवा में आग लगा दे ले पानी। गुड, वेरी गुड। अब चलो चीतू पांडे से मिलते हैं। पांडे जी कुछ भी कीजिए, सरकारी अफसर सरकारी संपत्ति को भीड़ से बचा लीजिए। निगम साहब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं पांडे जी, क्योंकि भीड़ मेरे काबू के बाहर है। भीड़ को वापस भेज दीजिए पांडे जी, मैं बिना शर्त सभी कैदियों को रिहा करता हूं। निगम साहब रहुआ से हम वादा ना कर कि बाहर जी जनता इंकलाब जिंदाबाद कर रहा बा, उनका सबके मनसा का बा, जाने के बाद ही हम कोनो वादा कर। पांडे जी प्लीज जो भी करना जल्दी कीजिए, मैं इस जेल के फाटक को खोल देता हूँ, आप अपने साथियों को लेकर बाहर आ जाइए प्लीज। देखो अगर भीड़ चीतू पांडे की बात ना मानकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करे तो उन पर गोली चला देना, ये मेरा हुक्म है। ना साहब ना, अब हम अपने भाई लोगों पर गोली ना चलाई, अब हमने के आजाद बानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इतना लोग, इतनी आवाज, हम तो कभी सपनों में ना सोच ले रहनी हो। सब तो ठीक है, चल चलो अब बाहर चल के हमने सब शांति स्थापित कर ये लूट मार बंद कराई हो, लूट मार बंद कराई। अब तो हमने सबकी आजादी मिल गई ना, आजादी मिल। अब बलिया की जनता के हम बोला विश्वास बा, पूरा विश्वास बा कि हमारे बात के ना काटी उस शांति जरूर स्थापित हो। अरे अब हम सब आजाद वाली हो, आजाद बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज चला इंकलाब भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अरे चित्तू भैया आ गए ना, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, इंकलाब पांडे। देख धरती
जिद्दू पांडे इंकलाब इरादा हुआ। भीड़ तो बहुत उत्साहित बाओ। जिद्दू भैया यह जुनून है, यह जोश है, यह है देशभक्ति। इनका सबसे ऐसा यहाँ कैसे बात हुई? ऐसा करा इनका सबके ना टाउन हॉल लेके चल, टाउन हॉल हो जे बात हुई हो जे। इंकलाब रघु चिंता मत करें, हम समझा ही ना सबके करा करा कुछ चल। इंकलाब इंकलाब जिद्दू पांडे इंकलाब स्वतंत्र भारत हो के रही। भैया लोग शांत रहे, शांत रहे सब लोग। रउआ लोगन का प्यार और रउआ लोगन का देशभक्ति देख के जित्तू भैया बहुत खुश हूं मैं। भैया लोग हम सब यहां से टाउन हॉल पर मिलल जाई, वहां पर हम सब मिल के फैसला लिहल जाए कि आगे का कार्यक्रम कैसे होई, आगे का कार्यक्रम कैसे बनावल जाए और आगे का कहल जाए। रउआ लोग चले टाउन हॉल पर और वहीं मुलाकात हुई। चले ठीक बात, चली रउआ लोग टाउन हॉल। चित्र पांडे जिंदाबाद, चित्र पांडे जिंदाबाद, मुरली मनोहर जिंदाबाद, विश्वनाथ चौबे जिंदाबाद, राधा मोहन जिंदाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय। बलिया की जनता, बलिया की जनता रुका हो रुका, तोर सब के चित्कार से चितुआ के कलेजा फट जाए। जिद्दू पांडे के तरफ से बलिया के जनता तोरा सब के जिद्दू पांडे के सत सत नमन। जिद्दू पांडे सत सत प्रणाम हो, सत सत प्रणाम। तू सब आज इतना बड़का काम कैले हो, इतना बड़का काम के खातिर तोरा सबके हम कैसे धन्यवाद दे समझ में नहीं आता। कबो चितुआ के शब्द कम ना भय, बाकी आज आज चितुआ के पास शब्द नहीं खे, सब नहीं खे हो चित्तू के पास आज कैसे आप सबके धन्यवाद दी। हमने तो जेल में रहनी हो, हमरा सबके कुछो पता न रहे कि बाहर का चल रहा बा। बलिया के डीएम निगम साहब हमने सबके पास आए अकल कि बलिया के संभाला हो, बलिया के संभाला। तो उनका से हम एक गो बात कहनी कि निगम साहब हम रउआ से कौन बाधा ना करब, जब तक हम बलिया के जनता के मनसा ना जान जाए कि बलिया के जनता के का चाहत बा, का सपना बा, का इच्छा बा। बाहर आईली रउआ सबके देख के हमर मन गदगद हो गए। बाकी आप सबसे विनती बा, सरकारी संपत्ति के नष्ट मत कराओ, वो संपत्ति के कर बा हमरा सबके बा। आज खुशी के दिन बा, हमरा सबके स्वराज मिल गई। चितुआ के सपना के एगो टुकड़ा पूरा हो गई। चौबे जी अब कात रही ना हो कि हमरा आभास हो रहल बा, कात रही ना कि 1942 के बलिया के इतिहास भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखल जाए। चित्तू पांडे जिंदाबाद, चित्तू पांडे जिंदाबाद, चित्तू पांडे जिंदाबाद। ए गुरु
चित्तू खुश रहो चित्तू, हमारे एक सपना के एक टुकड़ा पूरा हो गई। बाकी बलिया के लोग एक बात जान ला, चितुआ के पेट बहुत बड़का पेट बा, बहुत बड़का। खाली बलिया के आजादी से, भारत के एक टुकड़ा के आजादी से इस चितुआ के पेट ना भरी, ना भरी। हमरा के चाहिए पूरा भारत के आजादी। तो रउआ लोग बोली कि ये जोश से लड़वा कि ना लड़वा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद जिंदगी गुरु जी के दिशा ना रहले होतल। राधा मोहन, गोविंद बाबू, चौबे जी, महानंद मिश्र, ना जाने और कितना क्रांतिकारी, ये सब के सहयोग अगर ना रहले होतल तो आज ही सपना पूरा ना होते। बलिया अब आजाद हो गई, स्वराज आ गई है। हमनी सब बापू गांधी के राह पे चल के, सत्य के राह पे चल के बलिया के आजाद करा लेनी। बलिया क्रांति, भारत माता के। तो ऐसे मिलल बलिया में आजादी। ई आजादी 14 दिन तक बलिया में रहल। ई क्रांति के मुख्य अगुआ रहलन चित्तू पांडे जी। ऐसे ही और न जाने कितना भारत माता के सपूत रहलन जे बलिया के आजादी में अपन योगदान देले रहलन। उ सगरो क्रांतिकारी लोगन के सत सत प्रणाम। 14 दिन के बाद अंग्रेजी सरकार बलिया पे पुनः अपन कब्जा जमा लीलस। क्रांति बलिया के अगुआ श्री चित्तू पांडे जी के संपूर्ण आजादी के सपना सपना ही रही गई। और उ देश के आजादी से पहले ही 1946 में ईश्वर के प्राप्त हो गईलन। बाकी जब जब बलिया क्रांति के याद कैल जाई, चित्तू पांडे जी के नाम अमर रही। और 15 अगस्त 1947 में बलिया पूरा देश के साथ फिर आजाद भइल। आजाद जिंदगी खातिर रूह अब तड़प गई।